हाय यूट्यूबर्स। अच्छा, ये हमारा जो बैटरी पैक हमने स्टार्ट किया था, इसके बारे में आपको सुबह भी बताया था। हमने सेल्स अरेंज किए थे और इसको, ये 9 सेल्स का जो है ना बैटरी पैक है, इसको हमने तकरीबन बना लिया है। बस एंड की थोड़ी सी चीज़ें हैं, निकल स्ट्रिप्स इसके ऊपर कर ली। हर सेल को कनेक्शन दिया है, किसी को हमने छोड़ा नहीं है। सभी सेल्स में जो है ना निकल स्ट्रिप्स अच्छे से लगा के सभी सेल्स को हमने कनेक्टेड कर दिया है। और सोल्डरिंग भी अच्छे से की है ताकि वायर, जो लोड वाली वायर्स हैं, वो अच्छे से कनेक्टेड रहें और बिल्कुल डिसकनेक्ट ना हो। दो तीन जगहों पर हमने अच्छे से इनको कनेक्टेड कर दिया है। BMS भी हमने लगा दिया, हीट रेजिस्टेंस टेप भी लगा दी, ताकि और कोई भी इसका पार्ट जो है ना वो डैमेज ना हो, BMS अपनी जगह पर रहे। अब हमें सिर्फ लास्ट के इसको फाइनल जो है ना कनेक्शन देने हैं। जैसे ये इसका फर्स्ट वाला जो है पार्ट, ये इसका होता है 0 वोल्ट का, तो यहाँ पे हमने लगाना है फर्स्ट सेल का नेगेटिव माइनस 0 वाला। तो इसको हम इसके साथ अटैच कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। सोल्डरिंग आयरन जो है वो हमारा थोड़ा सा हो गया है कूल डाउन, हमने दोबारा उसको रीस्टार्ट किया है। अच्छा, इसके मैं तब तक आपको कनेक्शन बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट आया माइनस का, जो यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड इसका 4.2 का, फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव लगता है वो यहाँ पर लगता है। ये वाली वायर हमने निकाली है, ये हमने कनेक्ट किया है यहाँ। इन ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो यहाँ से हम इसका कनेक्शन ले सकते हैं। तो हमने इसका कनेक्शन यहाँ से ले के या नीचे से होके हमने यहाँ पर पहुँचाया। बस अब इसको हमने यहाँ पर सोल्डरिंग करनी है। अभी तक सोल्डरिंग नहीं हुआ है, अभी हम इसको आपके सामने ही सोल्डरिंग कर देंगे। थर्ड आते 8.4 का। अब 8.4 हमें इस साइड से नहीं मिलता है, इसके लिए वायर हमें यहाँ से लेनी पड़ती है, इस साइड से। तो यहाँ से हमने ये कनेक्टेड किया 8.4 का। हम यहाँ से नीचे से, इसके BMS के नीचे से हम वायर को लाए हैं ये वाली, और इसको हम कनेक्टेड कर देंगे इसके साथ यहाँ पे इधर। तो ये 8.4 हो जाएगा। लास्ट का हमारा बचेगा 12.6 का, वो हमें ये वाला है, क्योंकि यहाँ से हमने कनेक्शन दे दिया। अब ये वाला बचेगा लास्ट का पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से हमने वायर निकाली हुई है ये, इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है 12.6। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे 12.6 पे। अब हम इसके कनेक्शंस थोड़े से दे देते हैं इसको। फर्स्ट जैसे हमने देना है यहाँ पे, इस वाली वायर को हम अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इसके साथ देते हैं, ताकि ये लोड जो है ना वो ले सके। 324 एम्पेयर का। इस बैटरी की सारी डिटेल मैंने शेयर की हुई है। सेकंड हमारे पास ये आता है, इसको हमने देना है कनेक्शन, जो कि हमारा है 4.2 वाली सेकेंड सेल, फर्स्ट सेल का जो है ना पॉजिटिव आएगा। वहाँ हमने फर्स्ट का नेगेटिव दे दिया, यहाँ हम फर्स्ट सेल का जो है ना अब इसको हम दे रहे हैं पॉजिटिव। तो हम ये पॉजिटिव जो है ये हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये ठीक हो गया। अब थर्ड हमें देना है यहाँ पे, तो थर्ड हम इसको देंगे इस जगह पे, जो हमारे पास थर्ड वायर आई है, जो हमने यहाँ इस साइड से हम लेकर आए हैं बैक साइड से, इसको हम कनेक्ट करेंगे इधर। अच्छा, ये सोल्डरिंग करते हुए आपने इस चीज़ का खास ख्याल करना है कि किसी भी BMS के ऊपर जो है ना, किसी भी और पार्ट को सोल्डरिंग आयरन जो है ना वो टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन केस ये किसी भी चीज़ से टच होता है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम है। अच्छे वाला सोल्डरिंग आयरन यूज़ करें, अच्छे वाली सोल्डरिंग वायर यूज़ करें, इस तरह से जो अच्छा साइज के ऊपर एक टांका जो है ना वो बनाए। इसको भी हम मज़ीद अच्छे से कर देते हैं, थोड़ा और ऊपर सोल्डरिंग जो है ना, हम फ्लक्स और ये चीज़ें, वायर थोड़ी और ऐड कर देते हैं, ताकि अच्छा और स्मूथ जो है ना इसके ऊपर एक कनेक्शन बन जाए। क्योंकि ये कनेक्शन जो है हमारे पास, ये वाला माइनस का, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमारे पास ये प्लस वाला, ये दो कनेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हमारे पास बचता है लास्ट का, तो लास्ट का कनेक्शन पॉजिटिव का हम देंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे। इसको बस अब हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ। तो ये हमारा अच्छे से कनेक्शन बन गया है। अब बस हमें इसको चेक करना है कि क्या हमारे सारे कनेक्शंस ठीक हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे इसके ऊपर वोल्टेजेस, थोड़ा हम लाइट ऑफ करते हैं इधर की, और
इसकी भी लाइट हम ऑफ कर देते हैं। तो अब ये जो है ना, आपको इसके वोल्टेज सही से नज़र आएंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है, यहाँ पे हम रख लेते हैं ताकि आपको सही से नज़र आए। अब ये हमारा फर्स्ट 0 का, तो ये है 4.2 का। तो यहाँ पे आप वोल्टेज देखें तो हमारे पास मिल रहे हैं 4.14। फिर हम सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड हमें मिल रहे हैं 4.17। फिर हम थर्ड वाले सेल को देख रहे हैं तो ये 4.14 हमें मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे सारे के सारे बिल्कुल कनेक्शंस ओके हो गए हैं। अब हम टोटल भी देखते हैं तो टोटल हमें मिल रहा है 12.46। इट मीन्स हमारा बैटरी पैक जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है 12.46। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन आ कितने आ रहे हैं, तो 12.46 आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास ओवरऑल सारे का सारा कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गया है 100%। अब इसके ऊपर हम लोड भी चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से पैक करेंगे, सही से ठीक से इसको पैकिंग कर देंगे ताकि ये बिल्कुल जो है ना सही पर रहे, अपनी जगह पर रहे। और इसके बाद जो है हम इसको पैक करके हम श्रिंक वाले पेपर में जो है ना इसको रैप कर देंगे और श्रिंक कर देंगे ताकि अच्छे से ये पैक हो जाए। अब हमें ये करना है कि इसके ऊपर हमें दो वायर्स ऐड करनी है, उसके अलावा बैलेंसिंग के लिए हमें चार मज़ीद वायर्स जो है ना यहाँ से इसकी ले लेनी है। तो बैलेंसिंग के लिए मैं ये वाली वायर यूज़ करता होता हूँ, इन वायर्स को जो है ना मैं लेता हूँ बैलेंसिंग के लिए। और ये वायर जो है ना हमारे कनेक्शंस भी बाद में जब भी हमें चेक करने पड़े बैटरी के कनेक्शंस, वो भी हमें पता चल जाते हैं इसी से। इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं इन्हीं सभी के साथ, और ये चारों जो है ना हमारा बैलेंसिंग का काम भी करेंगी, बैलेंसिंग में भी आ जाएंगी यही वाली वायर्स। तो इन वायर्स को भी हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ से भी ले सकते हैं इनके कनेक्शन और डायरेक्ट सेल से भी ले सकते हैं। यहाँ से वैसे मुझे थोड़ा सा इजी इस टाइम पर लग रहा है, वैसे करते हैं इनको इन्हीं से जो है ना इनका कनेक्शन ले लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट वाली नेगेटिव वायर आ जाएगी यहाँ से, सेकेंड हमारी इधर तक आएगी, तो इसको हम इस हिसाब से कट करते हैं। थर्ड हमारी फिर आएगी वायर थोड़ी सी इसके पीछे तकरीबन यहाँ से, इसको भी हम ले लेते हैं। और फोर्थ आ जाती है तकरीबन इसी के बराबर से साइड से। इन वायर्स को हम रेडी कर लेते हैं और रेडी करके इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। इन वायर्स का बहुत अच्छा काम होता है, जैसे आप कभी भी बैटरी पैक को जब आप पैक कर देते हैं श्रिंक पेपर में, मैंने अक्सर बैटरी पैक्स देखे हैं, कोई भी इन वायर्स को पैक से अलग बाहर को नहीं निकालता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती हैं। इनको अगर आप निकाल दें, कभी भी आप बैटरी पैक को चेक करना चाहें, आपको खोलना नहीं पड़ता कभी भी अंदर तक, आपको जस्ट ये वायर्स मिली होती हैं हर सेल की। आप बाहर से इसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं, आप इसको बैलेंस चार्ज भी कर सकते हैं, तो इनका बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है। आप इन वायर्स को जो है ना वो हमेशा निकाला करें ताकि ये वायर्स आपको बाद में जब भी आपको सर्विस करनी पड़े, इस तरह का कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, तो वो आपको इसमें हेल्पफुल हो जाए। अब फर्स्ट हमारी आती है नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव वाली को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे इसके साथ। अच्छे से इसकी सोल्डिंग हो जाए ताकि ये कनेक्टेड रहे।
इस वक्त मैं इसके ऊपर ज़्यादा वैसे सोल्डरिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाली जो सोल्डरिंग है वो भी इससे डिस्टर्ब हो जाएगी, वो फिर ख़राब हो जाएगी इसके साथ। सेकेंड वाली को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी दोनों वायर जो है ना अच्छे से ताकि इसके साथ हो जाएं कनेक्टेड। ये हो गई, थर्ड हमारी आएगी इधर, इसको हम कर लेते हैं कनेक्ट, और फोर्थ वाली हमारी सबसे लास्ट में आ जाएगी। ये हमारी हो गई थर्ड, फोर्थ वाली को हम यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। फोर्थ यहाँ कनेक्टेड हो गई। अब ये यहाँ से वायर्स काफ़ी इजी रही हैं, यहाँ से आसानी से कनेक्ट हो गई। यहाँ से हम दूसरी पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर निकालेंगे और उसी के साथ इनको आउट कर देंगे, और पूरे के पूरे बैटरी पैक को हम यहाँ पे पैक कर देंगे। तो ये काफ़ी हमारा जो है ना इसके साथ इजी हो गया है सिस्टम। अब हम एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, वॉइस का भी थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि ये वॉइस ठीक से फंक्शनल है भी है या नहीं। तो ये हमारे पास चार वायर्स आ जाती हैं। इनके मुझे लगता है ये कनेक्टर्स जो है ना ये थोड़ा चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें थोड़ा सा आ रहा है मसला। चले इनके हम जो है ना ये चेंज कर लेते हैं वायर्स को।